मंडळी नमस्कार. महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या जय महाराष्ट्र या कार्यक्रमामध्ये मी हेमंत बर्वे आपलं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो. आपल्याला माहिती आहे की या कार्यक्रमामध्ये आपण अनेक मान्यवरांशी विविध विषयांवर चर्चा करतो. त्यांचे अनुभव, त्यांची करिअर्स, त्या मुलाखतीमधून आपल्याला त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्राची अशा प्रकारे जाण होते की आपलं माहितीचं क्षेत्र अधिक विस्तारतं. आजचा आपला विषय आहे संगीत. आपल्या संस्कृतीमध्ये संगीत या गोष्टीला किती वरचं स्थान आहे हे सांगायला नको. असं म्हणतात की जेव्हा यज्ञयागामध्ये संगीताची गरज भासली तेव्हा सामवेदाची निर्मिती झाली. ब्रह्माला सामगायन आवडतं. भगवान श्रीकृष्णांच्याकडे साक्षात वेणू असते. देवी सरस्वती आपल्याला वीणेसोबत नेहमी पाहायला मिळते. भगवान शंकरांना तर आपण संगीत आणि नृत्याचा जनक म्हणतो. मग आपल्या तुमच्या आमच्यासारख्या सामान्यांची काय करा कथा. संगीत हा छंद असा आहे, संगीत ही कला अशी आहे ज्याला ललित कलांमध्ये खूप श्रेष्ठ स्थान आहे. आज आपल्यासोबत अशी एक व्यक्ती आहे की जिनं खूप लहानपणीच या संगीताचं बोट धरलं आणि वाढत्या वयात स्वतःच्या करिअरसोबत या संगीताचं बोट सोडलं नाही. भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये कस्टम्स विभागात आयुक्त पदावरती काम करणारे श्री सुवीर मिश्राजी आपल्यासोबत आहेत. नमस्कार सर. नमस्ते. सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार. जसं की सुवीर मिश्रांचं करिअर संगीतातलं शिक्षण 12व्या वर्षी सुरू झालं आणि 12व्या वर्षी सुरू झाल्यापासून आजवर जवळजवळ गेली 30 वर्ष वीणावादन क्षेत्रामध्ये ते आहेत. आमच्या श्रोत्यांना तुमच्या 30 वर्षांच्या प्रवासाबद्दल काय सांगाल. वैसे मेरी पैदाइश हरदा मध्य प्रदेश की है, लेकिन मेरा बचपन जो है ज्यादातर दिल्ली में ही बीता, क्योंकि मैं दिल्ली में मेरे माता पिता रहते थे. तो दिल्ली में जब मैं करीब 10-12 साल का था तो मेरी बड़ी बहन जो थी मीरा मिश्रा कौशिक, जिनका नाम है, वो कॉलेज के दिनों में अपने मंडी हाउस कला क्षेत्र में काफी व्यस्त उनका जाती रहती थी. वहां पर नाटकों में काम करती थी, वहां संगीत के जो भी कार्यक्रम चलते थे तो वो मुझे साथ में ले लिया करती थी. बचपन में मैं 12-13 साल का तो था लेकिन हृष्ट पुष्ट था काफी, तो मेरे को साथ ले जाती थी बढ़िया क्वालिटी वाली नाटक संगीत के कार्यक्रम होते थे वहां पर भारतीय कला केंद्र में और श्रीराम सेंटर में गाने के प्रोग्राम होते थे, नाटक होते थे, एनएसडीबी पासी में था. तो वो एक ऐसी जगह थी जहां पर मेरा एक्सपोजर बहुत बचपन से रहा. तो मैं जा करके मुझे वो खुद मुझे दिखाती थी कि चलो आओ चलो तो हम लोग चलते हैं वहां पर, तो वो मुझे खींच के ले जाती थी. तो उससे मेरे को एक उच्च साहित्य को समझने का, देखने का और उच्च संगीत को भी सुनने का एक अपॉर्चुनिटी मिली. मेरे अंदर काफी कुछ संगीत और जो क्लासिकल थिएटर और अच्छी नाटक है वो साहित्य वो सब मेरे अंदर आता रहा बचपन में. मतलब रुचि पैदा भी हुई और रुचि को अच्छा कुछ देखने को मिला, महसूस करने को. बहुत जरूरी है एक्सपोजर, क्योंकि बचपन में अगर हम अपने 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 बच्चों को एक अच्छा म्यूजिक और अच्छा नाटक और अच्छा संगीत, जैसे कहते हैं संगीत में सब चीजें आती हैं, नृत्य भी आता है, तो वो अगर उसका एक्सपोजर दें तो हम जरूर अपने जो यंग लोग हैं उनके अंदर ऐसी चीजें कल्टीवेट करेंगे जिससे कि वो हमारे
शास्त्रीय संगीत और जो हमारे ट्रेडिशनल कल्चर है उसकी ओर आकर्षित हूँ। या संगीताबद्दलचा जो खिचाव होता तर त्यामुळे तुमचं पहिलं कुठलं असं वाद्य होतं की ज्या वाद्याला तुम्ही जवळ केलं? मुझे सबसे पहले तो तबला, जैसे हर एक छोटे 10-12 साल के बच्चे को पसंद आता है, मैंने सबसे पहले तबला सीखा। तो तबला में बनारस घराने की में हमारे मास्टर जी थे, वो मिश्रा जी थे, वो भी तो उनसे मैंने सीखा तबला, करीब 2 साल सीखा। फिर उसके बाद मैंने राधा कृष्ण गोस्वामी जी हुआ करते थे दिल्ली घराने के, जो कि जिनके पास ठुमरियां अभूतपूर्व थी, वो सितार भी बजाते थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उनसे मैंने सितार और गाने दोनों का मैंने शुरुआत में जो शिक्षा होती है, क्योंकि एक बार जब मैंने तबला सीख लिया तो मुझे लगने लगा कि तबला तो सीख लिया मैंने, अब आगे क्या करना है। तो वो यही रहा कि फिर नहीं, अब तबला के आगे जो है सितार सीखा जाए और गाना भी सीखा जाए। और राधा कृष्ण गोस्वामी जी वाकई में बहुत सुंदर गाते थे, उनका मुझे गाना बहुत पसंद था। उसके बाद फिर मैं जब कॉलेज की तरफ गया तो मैंने पंडित उमा शंकर मिश्रा जी से भी सितार सीखा, और उसके बाद मैं जब बैंगलोर में गया मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पर पंडित रवि शंकर जी के शिष्य थे एनआर रामाराव जी, तो उनसे भी मैंने शिक्षा ली सितार में ही ली मैंने। तो मुझे एक मैहर घराने का भी कुछ सीखने का मुझे मौका मिला, और वास्तव में मैं ये कहूँगा कि मुझे जहाँ से भी सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती थी मैं कोशिश करता था कि सीखूं। फिर मैंने उस्ताद बंधु खां साहब थे, उनसे भी मैंने कुछ शिक्षा ली, कुछ एक साल 2 साल तक तबले की, अजराड़ा घराने की। वो कहाँ पर? बेंगलोर में? वो नहीं, वो मैंने दिल्ली में ली, बंधु खां साहब भारतीय कला केंद्र में सिखाते थे। तो म्हणजे तबला तुम्ही सोडला नाही? नहीं, तबला छोड़ा नहीं, क्योंकि ताल तो हमारा बेसिक है, बिना ताल को समझे हुए जाने हुए आप आगे संगीत में तो बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से फिर जब मैं बेंगलोर में ग्वालियर ख्याल सीखने के लिए, मुझे एक तो के एन आयंगर साहब थे वो ग्वालियर सिखाते थे, और मुझे आगरा घराने के रामाराव नायक साहब थे, वो फयाज खान साहब के शिष्य थे, वो उन्होंने काफी समय तक उनके साथ थे, तो उनसे भी मुझे ख्याल आगरा ख्याल सीखने का मौका मिला। और के एन आयंगर साहब जो थे उनके पास ग्वालियर के काफी कॉम्पोजिशंस थी, तो मुझे ग्वालियर घराने के बारे में भी सीखने का मौका मिला। और उनके पास सुरबहार और वीणा, रुद्र वीणा थी, बीन उनके पास थी पुरानी वाली, बहुत पुरानी। उनके पास एक हेमराज का तानपुरा भी था, पता नहीं कहाँ है वो, लेकिन जो सुरबहार, बहुत सुंदर सुरबहार और बहुत सुंदर उनके पास बीन थी, मीरज की बीन थी मुझे याद है। तो मैं उनके यहाँ जाता था तो मैं उसको बजाने की कोशिश करता था। हम कह सकते हैं सुरबहार बड़ा सितार होता है, वो बेस उसमें मोटे तार होते हैं, उसमें जो बीन में काम होता है वो सुरबहार में भी कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि सुरबहार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बीन को, जो खानदानी लोग होते थे वो सिर्फ अपने बच्चों को सिखाते थे, लेकिन सुरबहार वो अपने बाकी शिष्यों को सिखाते थे। तो इस तरह से थोड़ा सा वो, तो एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट या एलिटिस्ट इंस्ट्रूमेंट कहा जा सकता है। तो बीन उनके पास था, तो और वो मुझे बीनकारी अंग के बारे में बताते थे, तो मैं बीन का मैं बजाने की कोशिश करता था। और तो बीन मेरे हाथ में जो मैंने आई है वो मेरे कॉलेज के दिनों में ही आई है। प्रशासकीय सेवा तो बहुत बड़ी नौकरी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, तो बहुत बार ऐसा होता है करियर के चलते कला की उंगली छोड़नी पड़ती है, तो उसको आप कैसे कह पाओगे, आपकी जिंदगी में कैसा रहा ये दौर? मैं कहूंगा कि इसमें एक बड़ा
इंटरनल स्ट्रगल चलता रहता है, अंतरंग आपके अंदर एक रहता है, क्योंकि आपको काम का प्रेशर रहता है, और जब काम का प्रेशर रहता है तब आप फिर म्यूजिक के बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। तो मैंने यही सोचा है कि ये मेरा प्रोफेशन है और मुझे ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस में ऑफिसर काम करना है, तो ऑफिस के समय मैं बिल्कुल भी कोई म्यूजिक का काम, म्यूजिक के बारे में सोचता भी नहीं हूं। हाँ, ये जरूर होता है कि अगर मेरे पास काम अगर कभी कुछ कम हो तो मेरे एक अंदर से जब भी खाली अगर समय होता है तो वो मेरा एक अंदर से म्यूजिक चलता रहता है, एक जैसे कोई राग के बारे में कुछ सोच रहा हूँ। हमारे उस्ताद ने कहा था कि आप जितना रियाज करते हैं उससे 10 गुना आप सोचो उसके बारे में। तो एक राग है, मैं एक राग को पकड़ लिया, मैंने उसको, मैं अब मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं आज जो था गाड़ी में आ रहा था तो मैं राग के बारे में सोच रहा था, एक राग केदार है उसके बारे में सोच रहा था, क्योंकि कल मुझे परफॉर्मेंस करनी है। प्रशासकीय जिम्मेवारी जो है तो उसमें ऐसा होता है कि आपका खिंचाव थोड़ा सा अध्यात्म की ओर कभी चला गया हो, म्यूजिक की ओर हो, और यहाँ पे आप कम दे पा रहे हो, नहीं तो वहां पे मतलब ये अन्याय की भावना होती है कि भाई किसी की किसी पर तो अन्याय हो रहा है। नहीं, प्रशासक में देखिए, प्रशासकीय सेवा में और म्यूजिक में दो सिमिलैरिटीज हैं, दोनों डिसिप्लिन बेस्ड है। संगीत जो है, हमारा जो संगीत है वो हमारा बहुत अलग है बाकी संगीत से। हमारा जो संगीत, हम राग वाला संगीत, शास्त्रीय संगीत करते हैं, उसको कहते हैं मार्गी संगीत, जिसके बारे में नाट्य शास्त्र में भी कहा गया है और संगीत रत्नाकर और कितने सारे ग्रंथ हैं जिनमें कहा गया। यह मार्गी संगीत हमारा जो है ये एक अध्यात्म के मार्ग की ओर है, और इसको इसका जो पर्पस है, इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि साधारण आदमी को प्रसन्न नहीं करना। तो अब जब आपको पता है कि आप साधारण आदमी को नहीं करना, तो ये लोक संगीत नहीं है, ये लोक गीत नहीं है, तो ये है क्या? ये हमारे यहाँ अध्यात्म का संगीत है, जिसमें कि आप हमारे जो अध्यात्म है उसमें आप जाने की कोशिश करते हैं, आप हमारे देवी देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो ये संगीत जो है बहुत अलग है, और इसके लिए आपको डिसिप्लिन करना पड़ता है अपने आप को कि आप सब चीजें नहीं कर सकते हैं जो आप, यानी कि आप बहुत सारे, आप देखा होगा कि जैसे लोक संगीत में महुआ पी करके, दारू पी करके वो थरक भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्रीय संगीत में ये नहीं हो सकता। अंदर के सारे योग की ओर करना है। योग क्या होता है? योग चित्त वृत्ति निरोध, पतंजलि कहते हैं। तो आपको अपना चित्त वृत्तियों को उसको निरोध करना है, और उसके बाद उसको एक आप रसमय अध्यात्म की ओर ले जा रहे हैं उसको। तो हमारे राग संगीत जो है उसमें यही होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो लय आपके अंदर है संगीत ने दी हुई, तो वो लय आप प्रशासकीय सेवा में भी ला पा रहे हो। दोनों में जरूरी है। आपको एक प्रशासकीय सेवा में भी एक डिसिप्लिन की जरूरत है। आपको प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस, लॉज, आपको उसके हिसाब से रहकर काम करना है। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और आपको अपना ईगो को खत्म करना है, क्योंकि प्रशासकीय सेवा में अगर आपने ईगो को लेकर के काम करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। तो आपको अपने ईगो को मार करके सिर्फ लॉज एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से आपको काम करना है। उसी तरह से संगीत में भी यही है कि आपको संगीतकार जो होता है उसको अपना ईगो नहीं लाना है। जहां उसने अहंकार लाया कि मैं बहुत बड़ा संगीतज्ञ हूं, तो संगीत आएगा नहीं, उसको हो नहीं पाएगा उसका। दोनों में एक सिमिलैरिटीज हैं, तालमेल बना सकते हैं हम। और ऐसा नहीं है कि राग में कोई सुर वर्ज होता है, तो आपके प्रशासन में भी कोई एक लॉ में एक ये चीज नहीं हो सकती। बिल्कुल, किसी ने कहा कि कर दो भैया तो नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे नहीं वर्ज। बिल्कुल नहीं, और फिर उसको लगाना कैसे है? तो उस समय उसको फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि इसमें भी, संगीत में भी हमारा एक फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि हम हर एक चीज निबद्ध नहीं करते, हम उसमें बढ़त करते हैं, तो अपने इमेजिनेशन को यूज करते हैं। तो इसी तरह से इस प्रशासनिक सेवा में भी आपको इमेजिनेशन यूज करना पड़ता है। आप लॉ लकीर का फिकीर नहीं बन करके लॉज एंड प्रोसीजर्स को अप्लाई करना होता है। आज जो मुख्य विषय है कि रुद्रवीणा संगीत मेरी साधना, माझी साधना, तर रुद्रवीणा वाद्याकडे आपण कसं येऊया?
रुद्रवीणा जो है वो जैसे मैंने सितार सीखना शुरू किया, बजाना शुरू किया, मैंने मैयर घराने को भी थोड़ा सा सीखा, फिर मुझे ये लगने लगा कि मेरी फिर रुचि ध्रुपद की तरफ बढ़ी। कॉलेज के दिनों में मैं उस्ताद नसीर अमीनुद्दीन डागर, मैं एक आजकल संस्था है जो अभी भी है, स्पिक मैके नाम की संस्था है, तो मैं उसका वॉलंटियर भी कॉलेज के दिनों में मैं कर लिया करता था कभी कभी थोड़ी बहुत। तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे, और उन्होंने मेरे को एक तो पूरे डागर घराने के बारे में जो बताया उन्होंने मुझे, वो काफ़ी सोचने वाली, मतलब मुझे रेवलेशन कह सकते हैं, क्योंकि मुझे करीब से डागर घराने को उस समय मिला। और ध्रुपद में मेरी रुचि तब से शुरू हुई, तो मैंने ध्रुपद जो था तब से नसीर अमीनुद्दीन साहब से संपर्क में आने के बाद मैंने बहुत ध्यान से सुनना शुरू किया, और ध्रुपद और वीणा में क्या वो है, दोनों में क्या लिंक है, लिंकेजेस हैं, उसके बारे में समझना शुरू किया मैंने। उसके बाद फिर मैंने ध्रुपद और वीणा की शिक्षा उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर और निर्मल डे से ली। पढ़ाई कर रहा था तो, और मुझे अपने करियर के बारे में देखना था, क्योंकि ये बात मुझे क्लियर हो गई थी कि आप क्लासिकल म्यूजिक में आप करियर नहीं बना सकते, स्पेशली अगर खानदानी नहीं है तो। खानदानी हो तो आपको ठीक है, आपको आपको खानदान वाले जो है आपको एक ब्रांड वैल्यू दे करके आगे आपको स्टेज में साथ में बैठा लेंगे, लेकिन बाकी आप नहीं है तो मुश्किल है। क्लासिकल म्यूजिक में तो फिर ये तो क्लियर था कि एक आपको एक अल्टरनेटिव करियर होना जरूरी है, जिसमें कि आप प्रोफेशनली आप कुछ। तो मैंने करियर मेरे भाई थे, वो कॉलेज के दिनों में जब मैं था तो मेरे भाई पुलिस सर्विस में आ गए थे, तो मुझे ये भी लगता था कि मेरे भाई ने कर लिया तो मैं अपने खानदान का, अपने हम तीन भाई बहन हैं, तीनों में से सबसे मैं अच्छा माना जाता था पढ़ाई लिखाई में, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो देखा देखी में फिर हमने भी जो है, फिर माहौल दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा रहा कि कुछ आप कुछ लोग आपके मित्र बन जाते हैं जो कि कंपटीशन देते रहते हैं, तो हमें भी लगा कि चलो हम भी कुछ कॉम्पिटिशन दे देते हैं प्रशासन के सेवा। तब लगा कि ये एक प्रोफेशन है जो कि मैं भी कर सकता हूँ, जो तो मुझे तब मैंने फिर प्रशासन की सेवा में मैं जो शिष्य इस विषय में सीखना चाहते हैं सीख रहे हैं, तो उनके सीखने में ऐसी कोई दिक्कत आ सकती है सीखते सीखते कि यहाँ पर डिफिकल्टी हो सके, ये इस पर्टिकुलर वाद्य के बारे में पूछ रहा हूँ, तो ऐसी कुछ कठिनाइयां हैं इसमें ये सीखने में? कठिनाई एक तो सबसे बड़ी बात है, ये इंस्ट्रूमेंट भारी है, हैवी है क्योंकि बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, और आपको अपने ऊपर शरीर के ऊपर जो पुराना टाइप का बीन जो होता है वो आपको शरीर के ऊपर रख करके बजाना पड़ता है। जो डागर वीणा जो थी, जिसको हमारे बड़े उस्ताद जो थे उन्होंने छोटी वीणा को बड़ा मॉडिफाई करके, जिससे कि उनकी आवाज और बढ़े, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट कुछ किया था, उन्होंने कलकत्ता से कन्हैयालाल से बनवाए, काफी समय पहले की बात है 70 के आसपास, तो उन्होंने कन्हैयालाल से वीणा को बोला कि कैसे क्या किया जाए कि इसको थोड़ा बड़ा किया, तो उन्होंने तोम्बे बड़े किए और डांड को थोड़ी बड़े की लंबाई की, बड़ी की, और ज्यादा मोटे तार लगाए जिससे कि सस्टेनेंस बढ़े, क्योंकि जितने मोटे तार होंगे तो उसमें आपके सस्टेनेंस बढ़ेगी, और फिर थोड़ा उन्होंने ब्रिज के ऊपर जो हंस होता है उसकी उसका स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया, जिससे कि जब आवाज हंस के ऊपर से वाइब्रेट होकर के अंदर से आएगी तो कैसे एम्पलीफाई होगी, तो उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा काम किया था। तो वो डागर वीणा जो है वो आप नीचे अपने जो सुखासन है उसमें बैठ करके बजा सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल वीणा है, जो पुरानी वाली जो वीणा है, वो उसको अपने अपने ऊपर चढ़ा कर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसको
चढ़ा करके बजाना बहुत मुश्किल है। तो सबसे मेन चीज है कि आप किस तरह से उसको अपने ऊपर शरीर में सुखासन में बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं और जो बाकी जो वीरासन है उसमें भी बैठ सकते हैं। स्टेबल तरीके से उस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ें और स्टेबल पकड़ें, वो बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले बच्चे जो है बैठें और अपने ऊपर बजाने की बात तो बाद में आ गई, हाँ वो तो बाद की बात है, पहले जो इंस्ट्रूमेंट को पकड़ पाए उसको, तो अपने आप को इतना सक्षम बनाए क्योंकि थोड़ा मुश्किल है काम। आज जो ये शिक्षा हासिल कर रहे हैं, इस विषय में रुचि रख रहे हैं, ऐसे कोई दर्शक रहेंगे सामने, तो उनको आप ये कला को आगे ले जाने के लिए क्या कह सकते हैं? मैं कहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके हमारे दर्शक हैं इस इंस्ट्रूमेंट को सुने और इसको मनोरंजन की तरह नहीं लें, क्योंकि ये मनोरंजन का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये अध्यात्म का इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे ट्रेडिशन का इंस्ट्रूमेंट है, ये तो और एक डिसिप्लिन का इंस्ट्रूमेंट है। एक डिसिप्लिन की तरह इसको ले, इसको सुने और कोशिश करें कि आए मेरे पास, आए मेरे से सीखे। तो मैं तो प्रयास कर रहा हूं कि जितने ज्यादा बच्चे हों मेरे पास आए इसको। मेरा लक्ष्य है कि कम से कम मैं अपनी जिंदगी में कम से कम 100 लोगों को, तो 100 बच्चों को तो सिखा लूं, जिससे कि वो 100 जो बच्चे होंगे वो आगे कुछ और 100 को सिखाएं। तो क्योंकि ये एक लुप्त होता जा रहा है इंस्ट्रूमेंट, कि कुछ रुद्र वीणा के ऊपर जैसे कॉलेजेस में कुछ चेयर्स या पोजीशंस रखी जाएं, रिक्रूटमेंट हो तो रुद्र वीणा का प्लेयर की रिक्रूटमेंट हो, सितार जैसे सितार की होती, तबले की होती है रिक्रूटमेंट, उसी तरह से रुद्र वीणा की कोई रिक्रूटमेंट हो। अच्छा सजेशन। तो MA क्लास में रुद्र वीणा का सब्जेक्ट हो, PhD कुछ लोग बच्चे कर रहे हैं रुद्र वीणा के ऊपर, मैंने सुना है, मेरे पास कुछ लोग आए भी थे, इंटरव्यू उन्होंने मेरा लिया था। लेकिन ऐसे बच्चे जो रिसर्च कर रहे हैं प्रॉपरली। अच्छा, मैं ये भी चाहूंगा कि इसकी एकोस्टिक्स के ऊपर लोग करें, जैसे IIT बॉम्बे है, IIT बॉम्बे को इसमें अपने एकोस्टिक्स के ऊपर करना चाहिए रुद्र वीणा के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग यूनिवर्सिटीज जो है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, वो एकोस्टिक्स के ऊपर करें इसके, कि क्या 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 होता है इसमें, इसमें साउंड जो आती है इसकी कैसे कहाँ से निकलती है, और इसके साउंड में हम मॉडर्न क्या क्या, या तो मटेरियल के ऊपर रिसर्च करें, जैसे मटेरियल को ट्रीट करें, वुड को ट्रीट करें एक स्पेसिफिक तरीके से। मैंने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की कि वुड को कैसे ट्रीट किया जाए, जैसे जब हम डांड होती है रुद्र वीणा की, डांड को बनाते हैं, तो मैंने कुछ 3-4 डांड को अलग तरीके से ट्रीट किया उसको, ट्रेडिशनल तरीके से, जिसमें कि कुछ हल्दी और अलग प्रकार के जो होते हैं पदार्थों को लगा करके, लेप लगा करके सुखाया, फिर उनको हीट ट्रीटमेंट दो, अलग अलग प्रकार की हीट ट्रीटमेंट, जैसे कि जो वुड है उसकी प्रॉपर्टीज एनहांस हो अकुस्टिक। जरूर सुवीर जी, मैं इच्छा करूंगा कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो देवी सरस्वती पूरी करें, और ये वेदों से चला आ रहा इंस्ट्रूमेंट है, मतलब वेदों में पुराणों में इसके उल्लेख हम पाते हैं, तो आपसे ये सब रुद्र वीणा के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा, और एक बार हम सुन भी लें जो आपने बजाया है, और दर्शक आज की इस मुलाकात को अपने जहन में बिठा लें। धन्यवाद।